वाले एरिया की मार्केट कुछ इस तरीके से दिखाई देती है यहाँ पे। धाराशिव ऐसे लिखा हुआ है भाई, और आगे दूर तक यार काफी बड़ी सी मार्केट है यहाँ पे। और यहाँ पे बेसिकली क्लॉथ के, ज्वेलरी के, टॉयज के काफी सारे हमको शॉप्स दिखाई देंगे। हेलो गाइस, माय सेल्फ राज तांबोळी एंड वेलकम टू माय चैनल हॉक ट्रैवलर। इस वाले ब्लॉग में अपन करने जा रहे हैं धाराशिव की मार्केट को एक्सप्लोर। यार काफी सारे कमेंट्स आ चुके थे ये वाली मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, इसीलिए यार सोलापुर सीरीज भी चल रही थी और ये भी ब्लॉग अपन आज एक्सप्लोर करने वाले है, जो की है धाराशिव की मार्केट। ये वाला ब्लॉग काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वाले ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। और भैया चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल नोटिफिकेशन टू ऑल। भैया आज है 15 अप्रैल 2023 और अपन करने जा रहे हैं यहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर। और अभी मैं आ चुका हूँ धाराशिव के छत्रपति शिवाजी महाराज सर्कल में, जो कि सीन यहाँ पे ऐसे दिखाई देता है भाई। वहाँ पे लिखा है धाराशिव, ऐसे लिखा हुआ है भाई। ये वाले एरिया की मार्केट कुछ इस तरीके से दिखाई देती है यहाँ पे। ये फ्लावर मार्केट है भाई, इस साइड अपन देख सकते हो यहाँ की ये फ्लावर मार्केट ऐसे दिखाई देती है। और इस ओर भी यहाँ पे काफी बड़ी सी मार्केट है, यहाँ पे भी देख सकते हो भाई। और ट्रैफिक का सीन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, वहाँ पे धाराशिव ऐसे लिखा हुआ है और ये पूरा सीन ऐसे दिखाई देता है भाई। भैया अभी अपन आ चुके हैं धाराशिव के पोस्ट ऑफिस सर्कल की ओर, जो कि नज़ारा फ्रंट में ऐसे दिखाई देता है। ये वाला पोस्ट ऑफिस का सर्कल है और यहाँ पे धाराशिव का पोस्ट ऑफिस दिखाई देता है भाई। और इसी सर्कल के आगे यहाँ पे मार्केट एरिया दिखाई देती है, और बेसिकली यहाँ पे यार मारवाड़ी गली है धाराशिव की, जो कि सीन सीधा अंदर की ओर है, यहाँ से ऐसे दिखाई देता है भाई। और ये सर्कल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है यहाँ पे, ये पूरा सीन ऐसे यहाँ का है भाई। तो ऐसा यहाँ का सीन है। और यही सर्कल से लेफ्ट में हमको यहाँ की मेन वाली मार्केट भी लगती है भाई, जो कि काफ़ी बड़ी है धाराशिव की मार्केट। इस ओर यहाँ पे ये पूरा मार्केट एरिया ऐसे दिखाई देता है, और फ्रंट में यहाँ पे मारवाड़ी गली की ओर ऐसे रास्ता जाता है भाई।
भैया जैसे अपन पोस्ट ऑफिस सर्कल से आगे की ओर आते हैं ना, तो यहाँ पे हमको ये वाली मार्केट ऐसे दिखाई देती है भाई। इस साइड में ये शॉप वॉप का सीन ऐसे है, और आगे दूर तक यार काफी बड़ी सी मार्केट है यहाँ पे। यहाँ इस साइड में भी देख सकते हो, अच्छी खासी मार्केट है भाई। अच्छा है भाई, चलते हैं नीचे तक होकर आते हैं। दूर तक ऐसे ही मार्केट फैली हुई यार, और यहाँ पे बेसिकली क्लॉथ के, ज्वेलरी के, टॉयज के काफी सारे हमको शॉप्स दिखाई देंगे। ये वाला एरिया भी देख सकते हो ऐसे दिखाई देता है भाई। इस साइड में आगे की ओर का भी एरिया ऐसे है, दूर तक है भाई मार्केट ऐसे ही। और आफ्टरनून का वक्त होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ का सीन कम है, इवनिंग में भीड़ ज़्यादा होगी भाई। यहाँ पे ये टॉयज के वगैरह शॉप ऐसे दिखाई देते हैं इस साइड में। इस साइड में भी देख सकते हो ऐसा मार्केट है भाई पूरा। और यहाँ पे ये मस्जिद का सीन है, यहाँ पे लिखा है मस्जिद अरब। तो ऐसे उसी के आउटसाइड में यहाँ पे सीन ऐसे दिखाई देता है भाई। ये वाले मार्केट का काफ़ी बड़ी सी मार्केट है, और ये सड़क ऐसे बीच में से होते हुए गई है। दो तरफा यहाँ पे शॉप्स दिखाई देती है भाई। अच्छा लगता है भाई ये वाला मार्केट एरिया भी। आफ्टरनून की वजह से यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, बट इवनिंग में काफ़ी सारी भीड़ होती है भाई। यहाँ पे क्लॉथ वॉथ के शॉप्स ऐसे दिखाई देते हैं आगे की ओर भी। यहाँ पे सब सीन ऐसे है भाई, इस साइड में भी दूर तक है भाई ऐसे ही। अभी अपन आ चुके हैं धाराशिव के ये वाले मार्केट के काला मारुति सर्कल की ओर भाई। और यहाँ पे ये वाले सर्कल का सीन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, यहाँ की मार्केट ऐसे दिखाई देती है। यहाँ पे भाई रश काफी है, बैक साइड में भी देख सकते हो। और ये वाला सर्कल, यहाँ पे ये वाला टेम्पल है, काला मारुति हनुमान जी का टेम्पल है। तो इसी टेम्पल के नाम से ये वाला यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ है भाई। तो ऐसे सीन दिखाई देता है भाई ये वाला सीन यहाँ पे, ये शॉप वगैरह पूरा सीन ऐसे दिखाई देता है भाई। तो अच्छा है भाई ये वाला मार्केट काफी रश फुल है यहाँ पे। ये सड़क भी यहाँ पे नीचे दिखाई देती है, और ये मार्केट का सीन ऐसे दिखाई देता है भाई। यहाँ पे बड़ी सी मार्केट है भाई ये वाली धाराशिव की मार्केट। जैसे हम लोग पोस्ट ऑफिस सर्कल से सीधा नीचे की ओर आते है, तो उसी सड़क पे ये वाला फर्स्ट सर्कल दिखेगा, जो की काला मारुति सर्कल है। तो ये अभी अपन आ चुके हैं धाराशिव के माउली चौक के सर्कल में। ये वाला है माउली चौक, और इस साइड में हमको मार्केट ऐसे दिखाई देती है। यहाँ भाई बेसिकली बर्तनों की मार्केट हमको दिखाई देती है भाई धाराशिव की। और अभी अभी अपन वो वाले सर्कल, काला मारुति सर्कल से नीचे की ओर आ चुके हैं, और ये सीन इस साइड ऐसे दिखाई देता है। तो ये ऐसे सीन है भाई यहाँ के माउली चौक का, अच्छा सा सीन है। और इस साइड में, ये बैक साइड में हमको यहाँ की बर्तनों की शॉप्स दिखाई देती है, जो कि काफ़ी अंदर तक ऐसे सारे बर्तनों की शॉप दिखाई देते हैं। और नीचे यहाँ का मार्केट ऐसे दिखाई देता है भाई। और जैसे हम लोग माउली चौक से नीचे की ओर चल के जाते हैं, तो यहाँ का सीन ऐसे दिखाई देता है भाई, यहाँ के शॉप का वगैरह। और इस साइड में भी शॉप ऐसे दिखाई देती है। यहाँ पे भाई नीचे की ओर एक संकरी सी सड़क नीचे गई हुई है, और बोथ साइड में शॉप्स है भाई यहाँ पे, मतलब बड़ा वाला मार्केट एरिया दिखाई देता है। चलते वो भी एक्सप्लोर करते हैं। ये बैक साइड में रश का सीन देख सकते हो, और ये वाली संकरी सी सड़क है, यहाँ पे ये शॉप्स ऐसे दिखाई देती है भाई। ऐसे पतली सी सड़क है, यहाँ से अंदर ये बोथ साइड में शॉप हमको दिखाई देते हैं। तो अभी बेसिकली दोपहर का वक्त होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है, नहीं तो यार यहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि चलने के लिए भी जगह नहीं होती है। तो चलते हैं हम लोग नीचे जाकर एक्सप्लोर करके आते हैं भाई ये वाला एरिया। तो यहाँ पे ये ऐसे मार्केट दिखाई देती है आगे तक।
काफी ऐसे बोथ साइड में हमको शॉप्स दिखाई देते हैं भाई ऐसे, और इस साइड में भी देख सकते हो, और यहाँ पे बस छोटी सी सड़क है और बोथ साइड में यहाँ पे शॉप है, और ऊपर ऐसे ढका हुआ है भाई ताकि धूप ना आए, तो अच्छा लगता है भाई ये वाला सीन भी। और अगर रश होती तो बहुत ही बेस्ट लगता भाई, यहाँ पे घूमने का एक अलग मज़ा आता भाई। बट अभी दोपहर होने की वजह से यहाँ पे रश का सीन थोड़ा कम है, बट है यार बेस्ट वाली मार्केट दिखाई देती है यहाँ पे, ये साइड में भी देख सकते हो आप लोग। और ऐसे ही यहाँ तक अपन देख सकते हैं, ये ऐसे सब सारे शॉप वॉप हमको दिखाई देते हैं यहाँ पे टॉयज की वगैरह, इस साइड में भी शॉप है बड़ी सी, तो ऐसे सीन है भाई यहाँ का। ये आगे की ओर भी अच्छा लगा यार ये वाला अंदरूनी मार्केट, बेस्ट है भाई यहाँ पे धाराशिव का है मार्केट। तो भैया अभी अपन आ चुके हैं धाराशिव के आज़ाद चौक ये एरिया में, और ये सर्कल कुछ ऐसे दिखाई देता है भाई यहाँ का सीन। ये वाली सड़क सीधी ऊपर जाती है मावली चौक की ओर, और ये वाली सड़क यहाँ की एक दरगाह है उस साइड जाती है, और ये वाली सड़क मेन रूट पे जाती है यार। और जैसे ही हम लोग वो वाले पोस्ट सर्कल से नीचे की ओर आते हैं तो ये वाला एंड है भाई आज़ाद चौक, यहाँ तक बड़ी वाली मार्केट हमको धाराशिव की दिखाई देती है, जो कि उसी बीच में हमको काला मारुति सर्कल भी लगता है, उसके बाद में मावली सर्कल लगता है, फिर ये लास्ट वाला आज़ाद सर्कल, ऐसे सीन है भाई यहाँ पे। भैया जैसे हम लोग आज़ाद चौक से सोलापुर रोड की ओर आते हैं तो हमको यहाँ पे एक सब्जी मंडी दिखाई देती है, तो इस वाले साइड में अंदर की ओर वो सब्जी मंडी का सीन है, और यहाँ पे भी भाई ऐसे सीन दिखाई देता है इस साइड में। और ये वाली सड़क बेसिकली सोलापुर से धाराशिव की ओर आती है भाई, यहाँ का सीन ऐसे दिखाई देता है। यहाँ की ये वाली सड़क की मार्केट भी काफ़ी बड़ी सी है भाई, और जैसे हम लोग ये वाले सड़क पे मेन वाली सड़क पे आते हैं तो यहाँ पे ऐसे सीन दिखाई देता है भाई ये सड़क का और मार्केट का। इस साइड में भी देख सकते हो यहाँ पे शॉप वॉप, और ये वाला एरिया पूरा सब्जी मंडी का एरिया दिखाई देता है। भैया अभी अपन आ चुके हैं धाराशिव के बस स्टैंड एरिया में, और भैया ऐसा कुछ धाराशिव की मार्केट का सीन था यार सब कुछ, तो अच्छा लगा ये वाला सीन सारा एक्सप्लोर करके। तो इसी सब सीन के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म। अगर ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और भैया चैनल पे नए हो ना तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल नोटिफिकेशन टू ऑल। तो हे गाइस इट्स टाइम टू नाउ साइन आउट, तो चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।